हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर वन ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर दिन की तरह आज फिर लेकर आई हूं आपका लव राशिफल। जी हां, आज फिर बताऊंगी हर दिन की तरह आपको कि कैसा रहने वाला है प्यार के लिहाज से आपका दिन। उससे पहले आपको बता दूं कि आज का दिन है मंगलवार, तारीख है 11 मई। तो कैसा रहने वाला है प्रेमी जातकों के लिए आज का दिन, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की। इस राशि के प्रेमी जातकों की अगर मैं बात करूं तो आज आप अपने लव पार्टनर को अपना प्यार साबित करने के लिए यूं तो आप पूरी कोशिश करते नजर आने वाले, लेकिन साथी के मन की शंका आपको आहत कर सकती है। इस राशि के शादीशुदा लोगों की अगर मैं बात करूं तो आज आपका जीवन के हर पहलू को देखते हुए कोई महत्वपूर्ण फैसला आप फिलहाल ले सकते हैं और ये फैसला आपकी संपत्ति से जुड़ा भी हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे वृषभ राशि वाले जातकों की। तो इस राशि के प्रेमी जातकों की अगर मैं बात करूं तो आज आपको अपने लव पार्टनर को मनाने या उनसे कोई कार्य करवाने के लिए काफी मशक्कत की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, आज एक बार के कहने में आपका प्रेमी आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला है। आज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ऐसे में कुछ भी करने से बचे जिससे उनकी नाराजगी कम हो जाए और वो आपकी बात को आसानी से मान ले। और अगर जो है आपको मौका लगे तो सॉरी बोल करके आप उन्हें मना ले, क्योंकि एक सॉरी छोटा सा शब्द जो रिश्तों को बहुत आसानी से स्मूथ बना देता है। चलिए बात कर लेते हैं शादीशुदा जातकों की यानी कि विवाहित लोगों की। तो आज आपका दिन थोड़ा सा बोरिंग है, समय की कमी के कारण आपके जीवन साथी के साथ बातचीत भी नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से आप बहुत अकेला महसूस करेंगे और खुद को बहुत बोरियत भरा दिन आपके लिए आज का होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। आपकी राशि के प्रेमी जातकों की अगर मैं बात करूं तो आज आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से खुलकर हंसी मजाक करते नजर आएंगे, उनकी टांग खिंचाई भी करेंगे और आज आप दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आप दोनों इतने खुश रहने वाले हैं कि आपका पूरा दिन यूं ही हंसी मजाक और खुशी खुशी निकल जाने वाला है। इसके बाद जीवन साथी के बारे में अगर नजर डालें तो आज जो शादीशुदा जातक हैं जीवन साथी से भी खुल करके आज आप अपने बात करने वाले हैं, मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। आप दोनों का दिन बहुत सुहावना लुहावना रहने वाला है और दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक आप एक दूसरे के साथ हर पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। आज आपके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी और अपने साथी के साथ कई खूबसूरत पल आप बिता सकते हैं। उनमें फोन पर भी आप बात कर सकते हैं और फोन पर भी बात करने के साथ साथ आप उन चीजों को याद करके अपने दिन को और सुहावना बना सकते हैं जो चीजें आपके लिए आपके जीवन में पहले हुई हैं। बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत सारी नई बातें, बहुत सारी चीजें आज आपको बहुत दिल को सुकून देने वाली हैं। इस राशि के शादीशुदा जातकों की अगर मैं बात करूं तो अपने पति या पत्नी की काफी तारीफ आज आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास है आज के दिन, चलिए जान लेते हैं। तो इस राशि के प्रेमी जातकों की अगर बात करूं तो आज अपने लव पार्टनर के एक अच्छे दोस्त की तरह आप उनके साथ जो है व्यवहार करते नजर आएंगे, मन की सारी बातें भी उनके साथ शेयर करेंगे और अगर आज आप एक अच्छे लव पार्टनर जैसे बन जाएंगे और अपने मन की हर बात उनके साथ शेयर करेंगे तो यकीन मानिए कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। शादीशुदा लोगों की बात अगर करें तो आज बीते दिनों की बातों पर आप अपने जीवन साथी से चर्चा कर सकते हैं यानी कि जीवन में जो पहले घट चुका है उन मुद्दों को लेकर के आज आप उनका पिटारा खोल के बैठ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो प्रेम संबंधों पर अगर मैं नजर डालती हूं तो आज आप थोड़ा सा कमजोर प्रतीत कर सकते हैं। जी हाँ, आज आपका दिन हर दिन की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। इस दौरान आपके और आपके प्रियतम के बीच किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। आप दोनों के बीच जो है छोटी छोटी बातों को करके बतंगड़ भी बन सकता है। इसके अलावा रिश्ते पर अलगाव के बादल भी मंडरा सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों की अगर बात करूं तो अपने जीवन साथी के ऊपर किसी काम को करने के लिए आप उन पर दबाव बना सकते हैं और ये दबाव आप पर भारी भी पड़ सकता है, इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। फिलहाल मैं तो आपको यही सलाह देने वाली हूं। तुला राशि वाले जातकों के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो आज का दिन इस राशि के प्रेमी जातकों के लिए अगर देखा जाए तो प्यार रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस दौरान आपके मन में रिश्ते के प्रति रह रह करके सुंदर विचार जो है वो उत्पन्न होने वाले हैं। बात अगर मैं शादीशुदा लोगों की करूं तो आज आप काफी खुश मिजाज रहेंगे और अपने साथी के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे और आज आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक अलग ही जो है मुकाम पर पहुंचता हुआ नजर आने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से दिन कैसा है, चलिए जान लेते हैं। आज आपका
प्रेमी आपको लेकर के कुछ ज्यादा ही संजीदा रहने वाला है, जिस कारण आप उनसे परेशान हो सकते हैं। जी हाँ, कभी कभी हम किसी की इतनी ज्यादा केयर करते हैं, इतनी ज्यादा केयर करते हैं कि वो केयर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। तो ठीक कुछ उसी तरीके से आज होने वाला है, उन पर गुस्सा करते भी आप दिखाई दे सकते हैं। ये केयरिंग नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन ये केयरिंग नेचर सामने वाले को इरिटेट तो नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। शादीशुदा जातकों की अगर मैं बात करूं तो आज सबको खुश करने में आप बिजी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से दिन के अंत तक आपको ऐसा लगने लगेगा कि घर के लोग और आपका पार्टनर आपको समझते ही नहीं है, क्योंकि आपकी थकान, आपकी परेशानी और आपके इर्द गिर्द इतना क्राउड आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर देगा एंड तक। धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है आज? आपकी राशि के प्रेमी जातकों की अगर मैं बात करूं तो आज आप अपने सभी पुराने क्लेशों को भूल करके एक साथ अच्छा वक्त बिताते नजर आने वाले हैं। वहीं शादीशुदा लोगों की अगर मैं बात करूं तो जीवन से संतुष्ट आप आज होंगे, अपने जीवन साथी को अपने ऑफिस की बात भी बताएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आसानी से, बहुत आसानी से एंजॉय करेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी हर चीज को शेयर करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास है आज मेरे प्यारे में, जल्दी से जान लेते हैं। प्रेम के लिहाज से आज आपका जीवन जो है वो सामान्य फल देने वाला है, क्योंकि जहां प्रेमी अपने कार्यों में व्यस्त रहने वाला है, तो वहीं आप भी अपने जो है ऑफिस के किसी काम को लेकर के उसे पूरा करने की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहने वाले हैं। बात अगर शादीशुदा जातकों की करें तो आज रोजाना की तरह आप घर पर खाना बनाएंगे, अपने परिवार को समय देंगे और सामान्य सा दिन रहेगा आज आपका, जैसा कि हर दिन रहता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करूं तो आज आपका दिन थोड़ी कम ऊर्जा भरा रहने वाला है, आपको थोड़ा सा थका थका सा महसूस होने वाला है और आज आप थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाएंगे। आज आप अपने वैवाहिक जीवन पर अगर नजर डालूं मैं तो आज दिलचस्पी आपको अपने वैवाहिक जीवन पर कम होगी, आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी, लेकिन जल्दी ही सब कुछ पहले की तरह अच्छा भी हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा सा समय के साथ साथ परिस्थितियों को बदलने देना है और कुछ जो है वक्त पर छोड़ देना है। मीन राशि वाले यानी कि अंतिम राशि के जो जातक है उनके लिए क्या कुछ खास है, चलिए वो जान लेते हैं। प्रेम के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पार्टनर से आज आप अपने मिल सकते हैं, उनके साथ कुछ खास करने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आज जीवन साथी का आपके परिवार के सदस्यों के प्रति मान सम्मान बढ़ेगा और ये देख करके आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया आज प्यार के लिहाज से आपका दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही आपको सलाह भी दी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी पर थोड़ा सा जो है आपको संयम बरतने की फिलहाल आज जरूरत है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो हम अपनी बोली भाषा के कारण खड़ी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, बस उस पर थोड़ा सा लगाम लगा करके रखना है, ताकि आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां जो स्वाभाविक तौर पर आनी है वो तो आ ही रही हैं, लेकिन जो हम अपने लिहाज से, अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से बदल सकते हैं, उन पर बदलने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं हर दिन आपको अपने वीडियो के एंड में एक उपाय बताती हूँ आपके प्यार को मजबूत बनाने के लिए, ज्योतिषीय उपाय के अनुसार आपको क्या करना चाहिए ये बताना है, साथ ही साथ आपको लपटिप भी दूंगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्योतिषीय आधार पर अगर आपके प्यार में कोई अनबन है, आप अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं लेकिन आपके और उनके बीच जो दूरियां हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको क्या उपाय करना है जल्दी से नोट कर लीजिए। कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान का दान करना या बांसुरी और पान का अर्पण करना जो है बहुत शुभ है आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, उन्हें समझने का मौका मिलेगा और आपका जो प्यार का रिश्ता है वो शादी के मुकाम तक पहुंचेगा। तो सच्चे प्यार की कामना करने वाले वो सभी मेरे भाई बहन जो जातक हैं, उनको क्या करना है, कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान को अर्पण करना है। तो दोस्तों, ये था उपाय। अब जल्दी से बता देती हूँ आपको लवचिप आज का क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लवचिप सुनने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और आप इंतजार करते रहते हैं वीडियो के एंड का कि मैं एंड में आपको लवचिप दूं। तो दोस्तों, मेरी आज की जो लवचिप है वो आपके लिए ये है कि अगर आप जो है आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी कोई जो है संबंध जो भी आपके लाइफ में है, अगर आप उनका तस्वीर अपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपके जो बीच की जो प्यार है, जो आपका रिश्ता है, वो और ज्यादा मजबूत होता है। तो पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप सभी जितना संभव हो सके अपने पर्स में एक छोटे पासपोर्ट साइज का फोटो रखें। हालांकि आपको लगेगा कि ये दौर बहुत पुराना था जब पर्स में फोटो रखी जाती थी, क्योंकि आजकल तो हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है और स्मार्टफोन की डीपी से लेकर के जो है
होम पेज तक सब अपने समवन का पिक लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो पुरानी चीजों को भी दोहराने से जिंदगी में कुछ नया बनाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आज टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे निकल चुकी इस दुनिया में, अगर आप अपने पार्टनर का फोटो अपने पर्स में रखते हैं तो आप उसकी जो दिल से दिल की गहराई है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। तो दोस्तों, आज का लव राशिफल मैंने आपको बताया कैसा रहने वाला है आज का प्यार के लिहाज से आपका दिन। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो astrosagevarta.com के जरिए आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप वार्ता पैनल पर जाकर के 100 से भी अधिक विद्वान ज्योतिष वहां पर मौजूद है, जिनमें से आप अपने पसंद के किसी भी ज्योतिष से बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी का हल उनसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर हाजिर होंगी आपके लिए नया राशिफल लेकर के, नई लव टिप और नए उपाय के साथ। तो आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।